राजस्थान में रूह कंपा देने वाला दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक सड़क दुर्घटना के दौरान कार में आग लग जाने से 7 लोग जिंदा जल गए। बताया जाता है कि मरने वाले 7 लोग एक ही परिवार के थे। सभी सालासर बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान कार ने एक ट्रक में टक्कर मार दी। इस टक्कर से कार में आग लग गई और कुछ ही देर में 7 जिंदगियां जलकर राख हो गई। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक परिवार के 7 लोग रविवार को जिंदा जल गए। दरअसल रविवार की दोपहर 2:30 बजे एक कार ने ट्रक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के बाद कार में आग लग गई और देखते देखते धू धू का पूरी कार और उसमें सवार सभी लोग जल गए। भीषण आग लगने से परिवारों के 2 मासूम बच्चों व 3 महिलाओं सहित 7 लोग बस कुछ मिनट में ही जिंदा जल गए। आग इतनी भीषण थी कि कोई कुछ भी नहीं कर पाया। परिवार सालासर बालाजी के दर्शन करके वापस मेरठ जा रहा था कि रास्ते में ये हादसा हो गया। जलकर मरने वालों में पति पत्नी, 2 बेटियां, माँ व मौसी समेत 7 लोग शामिल हैं। ओवरटेक करने के कारण ट्रक के नीचे घुस गई कार। बताया जाता है कि सालासर पुलिया पर ओवरटेक के फेर में एक तेज रफ्तार कार ट्रक के नीचे जा घुसी। गैस पाइप के फटने से गैस के सिलेंडर में तुरंत आग लग गई और देखते देखते कार जल उठी। ट्रक में भरी हुई कॉटन रोल ने आग में घी डालने का काम किया। राहगीरों ने उन्हें बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन गेट नहीं खले और कुछ ही पल में आग ने 7 जिंदगियां छीन ली। ट्रक में भरी हुई रुई के कार पर गिरने से आग भड़क उठी। सूचना मिलते ही पुलिस घनास्थल पर पहुंची। तब तक कार में सवार 7 लोग जिंदा जल चुके थे और आग ने भयावह रूप ले लिया था। कार में गैस किट लगा हुआ था। ट्रक में मेडिकल कॉटन रुई भरी हुई थी जो कि कार पर आकर गिर गई। इस वजह से आग और तेजी से भड़क गई। मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। हर कोई घटना को लेकर हतप्रभ था। कार में सवार लोग मदद की गुहार लगाते रहे पर लोग चाह कर भी मदद नहीं कर सके। कार में सवार सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। कोतवाल सुभाष बिजारनिया ने बताया कि मृतक सभी मेरठ के रहने वाले और एक ही परिवार के थे। सभी शारदा रोड मेरठ के रहने वाले थे। मौके पर आईजी सत्येंद्र सिंह, कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी, एसपी भुवन भूषण यादव, फतेहपुर डिप्टी राम प्रताप बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एक्सीडेंट हुआ है, इसमें मृतकों की शिनाख्त मेरठ आरकेपुरम दिल्ली रोड मेरठ के बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के हैं, 7 जने हैं जिनमें 2 बच्चे, 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। ये सालासर दर्शन करने के लिए आए हुए थे, वापिस जा रहे हैं। वो ट्रक पुलिया के ऊपर चढ़ रहा था, पीछे से ये घुसी है, घुसते इसमें आग लग गई और ये लोग बाहर नहीं निकल पाए, अंदर ही जल गए।